फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो व्हील, जिसके लिए सबसे पहले हम जो है आटे की जो मैदे की डो रेडी करेंगे। एक कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून हम लोगों ने नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर। ये बाकी की चीज़ें सेपरेट कर लेते हैं अच्छे से। इसे ऑयल को इसके अंदर मैदे के अंदर शामिल करूंगी। मैंने ऑयल को अच्छे से, नमक ऑयल और काली मिर्च का जो पाउडर था वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको आटे को गूंद लूँगी, बस थोड़ा सा इतना, और ज़रूरत होगी तो फिर और शामिल करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा और डालूंगी मैं, और इस डो को हम अच्छे से गूंद लेंगे। डो को अच्छे से रेडी कर लें। जब ये हमारी डो जो है वो रेडी है, अभी हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टे करेंगे और चलते हैं। अब हमने अपने पोटैटो रेडी करने हैं। जी, ये रहे हमारे पोटैटो, जो मैंने 300 ग्राम पोटैटो लिए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। हाफ टी स्पून डालकर पानी में इसे बॉईल किया है मैंने। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो हरी मिर्च चॉप की हुई शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून जो है वो हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट और एक स्मॉल बंच जो है वो धनिया का इसमें शामिल कर देंगे। और हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तमाम चीज़ों को। उतनी देर में हमारी जो डो है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगी और हम अपनी क्रिस्पी व्हील्स रेडी करेंगे। अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप हाफ टी स्पून क्रश चिली जो है वो चिली दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं वो शामिल कर सकते हैं, या हम हाफ टी स्पून जो है इसमें रेड चिली पाउडर, और मैं इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल करूंगी। मैंने इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जी, डो जो है हमारी पोटैटो की वो रेडी है। उस तरफ हम लोगों ने मैदा भी रेडी करके रख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने क्रिस्पी व्हील्स की तरफ कि वो किस तरह हम लोगों ने रेडी करनी है। हम आगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप हम लोगों का ये है कि मैंने लिया है ये छोटा सा पेड़ा जो हम लोगों ने डो रेडी की थी मैदे की, इसको हम बेल लेंगे। और इसको इतना बेलेंगे ये बारीक से पर्दे जैसी रोटी बन जाए। मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इसको बेल लिया है, और ये देखें ये बहुत ही बारीक है। आप इसकी थिन लेयर चेक कर सकते हैं, इस तरह बिल्कुल बारीक सी, ये देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी जो पोटैटो का जो हम लोगों ने फिलर जो है मैश पोटैटो का बनाया था वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसको अच्छे से इसके ऊपर
स्प्रेड कर लेंगे सारे को। मैं अच्छे से फैला चुकी हूँ, ठीक है। अब इसका हम रोल की तरह फोल्डिंग करेंगे इसकी ऐसे। ये फोल्डिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे एज रिक्वायर्ड, हमें जिस तरह की पोटैटो विंग्स हमें चाहिए। अब देख सकते हैं हम लोगों के पास जो विंग्स है वो इस तरह की हैं। हम इन्हें दबाएंगे इस तरह और अपने रिक्वायर्ड साइज़ के मुताबिक इन्हें बना लेंगे। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी विंग्स को शेप देकर अपने कटर के ऊपर उन्हें अच्छे से रख रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, उनकी शेप अच्छे से। आप ये पे एक एक करके तमाम रेडी कर लें जी। मैंने अपनी तमाम व्हील्स को शक्ल दे दी, आप इसको देख सकते हैं गौर से कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम अपने क्रिस्पी विंग्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा ले सकते हैं, उसका पेस्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, ताकि हम अपनी क्रिस्पी पोटैटोज़ की ये जो व्हील्स हैं इन्हें डिप कर सकें। जी ये पेस्ट रेडी है। हमने ऑयल जो है वो चूल्हे पर रख दिया है फ्राई होने के लिए, गर्म हो जाएगा। और इसके लिए हम जो है यहाँ से जो विंग्स हैं वो पकड़ेंगे और इसे डिप करके गर्म गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए उसके बाद आप इनको इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। ये जो है लाइट सा होता जा रहा है हमारे जो है क्रिस्पी व्हील्स। हमने इस तरह कर लेंगे। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारी व्हील जो है वो दोनों तरफ से क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल देंगे ऑयल में से। इसी तरह हम अपनी बाकी की व्हील्स भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।